नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं गंजन आपकी दोस्त और स्वागत है आपका चैनल पर। और नए विजिटर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बालों की क्लिपिंग्स लगाई है। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो वीगन प्रोडक्ट्स यूज़ तो करना चाहते हैं, होममेड रेमेडीज़ यूज़ तो करना चाहते हैं, बट वो बना नहीं पाते। यहाँ पे मैंने क्लिपिंग्स लगाने की कोशिश की है, जितने भी पॉसिबल मैं ले पाई कि कितना मेरा हेयर फॉल कम हुआ है और ये कितना अच्छा मैजिकल रिज़ल्ट आपको देगा। बिल्कुल रिज़ल्ट गारंटीड देगा। आप इसका एक बैच ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए और कॉस्ट बहुत इफ़ेक्टिव रखिए। मैंने जस्ट 220 रुपीज़ में आपको एक हेयर ऑयल और एक मास्क मिल जाएगा। आज बात कर रही हूँ मास्क की। तो ये आपको मतलब इसके टेक्सचर वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसको मैं रिलेटेड वीडियोस में डाल दूँगी तो आप देख लीजिएगा जाकर। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे मन में रह गई थी तो उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आपने मतलब उन लोगों के लिए जैसे ऑफिस गोयर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो रही है, गर्ल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बाल मैटर करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने सॉर्ट ऑफ डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं लोग कि वो नहीं मतलब बना पाते। और अंदर से ना हर इंसान चाहता है यार कि मैं केमिकल्स यूज़ ना करूँ, वो केमिकल्स से दूर होना चाहते। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि हम मतलब केमिकल फ्री लाइफ जीने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको जब अप्लाई करी थी तो मैंने एक छोटा सा क्लिपिंग अपनी मम्मी से बनवाया था, तो मैंने अपने बालों में कॉम्ब भी नहीं किया था, जस्ट ऐसे बाल खोले थे और इसको बहुत रफ़ तरीके से अप्लाई करी थी अपने बालों में आपको ये दिखाने के लिए कि देखिए जहाँ मेरे बाल छूते से हाथ में ढेर के ढेर आते थे, मैंने ना बहुत बाल मेरे गिर गए थे। उसकी भी मैं आगे क्लिपिंग लगाऊँगी, आप देखिएगा। और यहाँ पर मैं इतने रफली खींच रही हूँ बालों को, तब भी मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं आया। ये रिज़ल्ट मुझे मिल गया था 4th से 5th बार के अंदर अंदर, और आपको भी ऐसे ही बहुत सुंदर रिज़ल्ट मिलेंगे। ये आपके बालों को गिरने से रोकेगा और आपके नए बाल उगाना भी शुरू कर देगा, जिससे आपके बाल जो है घने होने लगेंगे। और ना ही सिर्फ ये आपके बालों को घना करता है बल्कि बहुत मतलब एकदम बहुत अमेजिंग शाइन आपके बालों में आती है। तो जैसे जैसे ये देखिए यहाँ पर क्लिपिंग, ये मेरी फ़ोटो है जो ये मैंने कब खींची है, और इसके बाद की जो फ़ोटो है वो विद इन मतलब एक दो वॉश के बाद ही है, कितना इफ़ेक्ट इसमें आ गया। तो मैंने ऐसे ही बनवा ली थी ये जस्ट कि ठीक है, लेकिन मैंने खुद नोटिस किया यार कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया बालों में, वो भी 2-3 बार के अंदर ही। तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको ख़रीदिए, इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, अगर आप खुद से बना सकते हैं तो खुद से बना के लगाइए, लेकिन ये बस उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो चाहते हैं कि यार हम केमिकल्स ना लगाएं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, ये अपने ही केमिकल रिएक्शन से बनता है। और सिर्फ मैं इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी की क्लिपिंग लगाई है, उसका ना टाइफॉइड हो गया था तो बहुत बाल गिर गए थे उसके। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके बालों पर अप्लाई किया था और अब काफ़ी घने बाल आ गए हैं। इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है ऑरेंज, और अभी ना जब ऑरेंज नहीं मिलेगा तो मैं इसको मौसमी के साथ बनाऊंगी तो इसका कलर ग्रीन भी आपको मिल सकता है। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट डालती हूँ मैं इसमें, वो डालती हूँ एलोवेरा, जो आपके बालों को स्मूथ करता है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट मैंने डाला इसमें, वो मैंने डाला नीम, ताकि आपको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से आज़ादी मिले। इस तरीके की ये बॉटल में आपको मिलेगा। और ये देखिए 4th या 5th बार के में मैंने ये अपनी क्लिप शूट की थी। तो यहाँ पे ये मेरे बाल है ना, जो ये एक थैली भर के बाल हैं, और एक थैली भर के बाल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उससे ना हमने कढ़ाई ले ली थी। तो यहाँ पे देखिए ये बॉटल जो है, इस तरीके से मैंने आपको कंपैरिजन कलर का दिखाया है। तो मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी, मैंने ना अपने बाल मतलब कुछ किया नहीं बालों के लिए, मेरे बाल गिरते गए और एक साल गिरे हैं मेरे बाल। और एक साल के जो गिरे बाल थे ना, उन पे भी इसने इतना अच्छा असर दिखाया है कि 2-3 बार में ही कम्प्लीटली मेरी जो है, और 8 से 9 बारों के अंदर तो कम्प्लीटली मेरी हेयरफॉल रुक चुकी है, बिल्कुल रुक चुकी है। ये जो वीडियोज़ मैंने शूट करवाए हैं शॉप के अंदर या कहीं भी, ये मैंने अपनी बेटी से शूट करवाए हैं। तो कोई भी कमी आपको लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। येलो कलर में, और आप देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ये अभी का बना हुआ है, ये थोड़ा पुराना है। तो इस तरीके से कलर चेंज कर रहा है। थोड़ा यूज़ करने से पहले आपको इसको शेक कर लेना है, ठीक है। गाइज यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ चावल का मास्क बनाने की। ये भी इक्वली आप फेस और बालों दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। इसको बनने में लगभग 20 से 30 दिन भी लग सकते हैं, कितना परफेक्टली बनेगा। तो मैं स्मॉल बैचेज़ में बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती मेरे पास, तो हैंड टू हैंड बिक जाता है।
तो आप लोग अपना ऑर्डर जल्दी प्लेस कर लिया करें, क्योंकि फिर अगला बैच बनने में भी लगभग टाइम लगता है, बिकॉज आई मेड ऑल दिस थिंग्स विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। गाइज यहाँ पे मैं अपने फेस ज़्यादा रिवील इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब मेरा मकसद फेमस होने का नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी जो मतलब मेरे मैंने कहीं से सीखा नहीं है, अपने ज्ञान के तौर पे को इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट्स आपको सेल करूँ और मैं अर्न कर सकूँ। लेकिन अर्न करना चाहती हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ बेच के अर्न करना चाहती हूँ, मैं आपको कोई फेक चीज़ नहीं देना चाहती। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ा ना पेशेंस के साथ यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, और मतलब मेरे एक साल से हेयर फॉल हो रहा था और 10 बार से भी कम में मेरा चला जा चुका है, पहले बार से रिजल्ट मिल गया था, ठीक है, लेकिन आपके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कितनी आपकी पिगमेंटेशन पुरानी है उसी हिसाब से आपका कलर कितना ब्राइटन होगा, ये थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों के लिए, तो आपको थोड़ा धैर्य के साथ इस्तेमाल करना है और पूरे ट्रस्ट के साथ। लेकिन मैं आपसे कहूँगी इसका एक बैच इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कीजिएगा। लेकिन ये मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर आप एक बार कंटिन्यू कर लेंगे ना, ले लेंगे, तो आप कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसका रिज़ल्ट इतना डायनामिक है, इतना अच्छा है, और ये पहली बात की एकदम केमिकल फ्री है, वीगन है, तो ये असर ज़रूर करता है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि भाई मैं बना नहीं सकता, हम आपको बना के दे रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि अरे भाई मैं इतनी देर पैक लगा नहीं सकता, तो भाई आप इसको ना अपने शैम्पू में मिला के ही यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप लगा के रखोगे 1/2 घंटा 20 मिनट 1 घंटा, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर मिलूँगे किसी और वीडियो के साथ, और ऑर्डर करने के लिए ना आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और मैं फर्दर एक नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगी जिससे आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।